हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वप्निल और जायका स्ट्रीट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए स्पाइसी पनीर बर्गर की रेसिपी लेके आई हूँ। तो कभी भी आपके बच्चों का कुछ अच्छा खाने का मन हो तो आप इसको बनाकर खिला सकते हैं। तो चलिए बिना देर के रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पनीर के लिए एक क्रिस्पी बैटर बनाकर रेडी करेंगे, जिसके लिए एक बोल में मैं ले रही हूँ 1 टेबल स्पून मैदा। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। जितना मैंने मैदा लिया है उतना ही मैं कॉर्नफ्लावर ऐड कर रही हूँ। अब इसमें डाल देते हैं 1/2 टीस्पून काली मिर्च, जिसको मैंने क्रश कर लिया है। आप चाहें तो काली मिर्च का पाउडर भी ऐड कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून देगी मिर्च, 1/2 टीस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, 1/4 चम्मच नमक। सब चीज़ों को अच्छे से मिला लेंगे। ये देखिए, मैंने सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका एक बैटर बनाकर रेडी करेंगे। हमें इसका बिल्कुल लम्प फ्री बैटर चाहिए, तो आप अच्छे से इसके लम्प्स तोड़ते जाइए। ये देखिए, मेरा बैटर बनकर तैयार है। और ना ही ये बहुत ज़्यादा थिक है और ना ही बहुत ज़्यादा पतला। मैं आपको इसकी कंसिस्टेंसी दिखाती हूँ। यही इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। आपको भी इसी कंसिस्टेंसी का बैटर बनाना है। ये देखिए, जब मैं इसे स्पून पे लगा रही हूँ तो ये अच्छे से स्पून पे कोट हो रहा है। हमारा बैटर बनकर रेडी है। और चीज़ें देख लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। ये मैंने 2 ब्रेड के ब्रेड क्रम्स लिए हैं और 200 ग्राम पनीर, जिसको मैंने बीच में से 2 टुकड़ों में काट लिया है। अब हम एक पनीर का टुकड़ा उठाएंगे और उसको अपने बैटर में अच्छे से कोट करेंगे। हमें इसे घुमा घुमा के चारों तरफ से बैटर से कोट करना है। ये देखिए, हमारी पनीर बैटर से अच्छे से कोट हो गई है। अब मैं इसे ब्रेड क्रम्स से भी कोट कर लेती हूँ, जिससे ये बहुत ही क्रिस्पी बनेगी। इसको भी मैं चारों तरफ से कोट कर ले रही हूँ। अब इसी तरह हम दूसरा भी रेडी कर लेंगे। फ्रेंड्स, मैं 2 ही बर्गर बना रही हूँ, इसलिए मैंने सब चीज़ों की क्वांटिटी कम कम रखी है। अगर आप ज़्यादा बर्गर्स बनाएं तो आपको मैदे की क्वांटिटी और कॉर्नफ्लावर की क्वांटिटी भी बढ़ानी है और ब्रेड क्रम्स की भी। मेरी दूसरी भी पनीर रेडी हो गई है। चलिए अब इसे डीप फ्राई करते हैं। फ्रेंड्स, आज मैं इसे डीप फ्राई कर रही हूँ। आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। तेल मेरा अच्छे से गर्म हो गया है। अब मैं फ्लेम को मीडियम पे कर दूंगी और एक एक करके अपने पनीर क्यूब्स ऐड करूंगी। अब हम इसे मीडियम से हाई फ्लेम पर अलट पलट कर अच्छा ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे। ये देखिए, मैंने इसको अलट पलट कर अच्छा ब्राउन होने तक फ्राई कर लिया है। अब हम इसे ऑयल से निकाल लेंगे और आइए अपनी मेयोनीज भी रेडी कर लेते हैं, जिसके लिए मैंने एक बोल लिया है और इसमें मैं डाल रही हूँ 4 टेबल स्पून मेयोनीज। आप कोई भी मेयोनीज यूज कर सकते हैं, एग या एगलेस, जो भी आप खाते हो। अब इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून टोमेटो केचप, 2 पिंच सॉल्ट और 1/2 छोटी चम्मच देगी मिर्च। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे।
फ्रेंड्स यहाँ पे आप अपना कोई भी वेरिएशन दे सकते हैं। अगर आप चाहें तो आप मेयोनीज में पुदीने की चटनी भी मिला सकते हैं, उसका भी टेस्ट इसमें बहुत अच्छा आता है। मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और अब हमारी मेयोनीज भी रेडी है। चलिए अपने बन भी रेडी कर लें। बन को हम बीच में से दो पार्ट्स में डिवाइड कर लेंगे। मैंने दोनों बन को काट लिया है, आइए अब इनको सेक लेते हैं। पहले मैंने एक तवा लिया है और इसको मैं हल्का सा बटर से ग्रीस कर ले रही हूँ। आप इस पे अच्छे से बटर लगा लीजिए। अब इस पे बन रखकर हम इसको अच्छे से बटर से कोट कर लेंगे। इसी तरह सारे बन को हल्का हल्का बटर लगाकर दोनों तरफ से सेक लेंगे। दूसरे साइड भी बटर लगा लेते हैं और इसको सेक लेंगे। ये देखिए मैंने सारे बन को दोनों तरफ से हल्का ब्राउन होने तक सेक लिया है। आइए अब इनको असेंबल करते हैं। सबसे पहले हम एक बन पे अपना पनीर का क्यूब रखेंगे। अब उसके ऊपर एक लेट्यूस लीव। अब दूसरा बन का पार्ट लेंगे और जो हमने मेयोनीज रेडी की थी वो उस पे लगाएंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग कम या ज्यादा इसको लगा सकते हैं। अब इसको इसके ऊपर रख देंगे। और लीजिए हमारा एक बन रेडी है। अब इसी तरह हम दूसरा भी रेडी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स हमारे दोनों बर्गर सर्व करने के लिए बिल्कुल रेडी है और आप देख सकते हैं कितने डिलीशियस लग रहे हैं। तो फ्रेंड्स आपको कैसी लगी इस बर्गर की रेसिपी? अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें। चलिए फिर जल्द ही मिलते हैं एक नई इंटरेस्टिंग रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।